नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, यहां पर एक बिग मिस्टेक, एक बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स कर रहे हैं। इसके लिए हमें ये वीडियो बनानी पड़ रही है आपके लिए लेटेस्ट अपडेट के साथ। यहाँ पर समझने की बात ये है कि जब ऑटो सेलेक्टेड बैक पेपर आ रहा है, फिर हमने इम्प्रूवमेंट वाले सब्जेक्ट पर सभी पर टिक कर दिया है और फीस हो गई है 4,950। अब वो कैंडिडेट इतना परेशान है, वो मेरे पास आया, उसने मुझे बताया, तो मैंने सोचा ये बड़ी मिस्टेक है। हो सकता है आप सभी में से कोई ऐसी मिस्टेक कर रहा हो, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद ये मिस्टेक ना करे, ठीक है। तो ये एक बड़ी मिस्टेक है, ऐसा भाई क्यों? जब हमें भाई बैक पेपर यहाँ लिखा हुआ है, फेल्ड बैक पेपर ऑटो सेलेक्टेड फॉर बैक पेपर, तो जितने में भी बैक लगी, एक में या दो में, तो वो चीज़ यहाँ ऑटो सेलेक्टेड है, तो बस केवल आपको सेव बटन पर क्लिक करना है और पेमेंट करना है आपको, ठीक है। नहीं हो रहा तो दोबारा से लॉगिन कर लीजिए, ठीक उसी प्रकार से लॉगिन करिए जैसे आप सर्च करके बैक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं। मैंने पिछली वीडियो यहाँ पर जो बनाकर अपलोड करी है, एक तो स्टार्टिंग में ही मैंने डाल दिया है ऑनलाइन कैसे करना है आपको, ठीक है, और पेमेंट वाली वीडियो जो मैंने जस्ट अभी अपलोड की है, ठीक है, और ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। ये क्योंकि बड़ी मिस्टेक है लोगों के साथ, तो ये ऐसा गलती अब ना करें। तो चलिए थोड़ा पेज को हम स्क्रॉल करते हैं, बॉटम साइड में भी देख लेते हैं, यहाँ समझते हैं। देखिए यहाँ जब ऑटो सेलेक्टेड बैक पेपर यहाँ पर आ रहा है और हमें बैक पेपर के लिए अप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए दो पेपर हैं तो 500 1,100 रुपये हो गया आपका, सिंगल है तो 550 रुपये हो गया, ठीक है। तो अब आपको सेव बटन करना है और पेमेंट करना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है इम्प्रूवमेंट सेमेस्टर थर्ड पास्ट पेपर ऑप्शनल फॉर इम्प्रूवमेंट, तो यहाँ जब पास पेपर ऑप्शनल इम्प्रूवमेंट है, यानी कि आप इन सभी में पास हैं और ये ऑप्शनल है, तो आप इन्हें छोड़ दीजिए ना, जो बैक पेपर ऑटो सेलेक्टेड आया बस वही रहने दीजिएगा आप, वो ऑटो सेलेक्टेड है ही पहले से, बस आपको सेव करना है। उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट दिखेगा और बॉटम साइड पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, आप पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। फुल प्रोसेस के लिए आप आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर आप विस्तार से वीडियो को देख सकते हैं। बट यहाँ पर लोग मिस्टेक कर रहे हैं, इसलिए हमें लेटेस्ट अपडेट के साथ ये वीडियो बनानी पड़ रही है, तो आप ऐसी मिस्टेक ना करें। यदि ऑटो सेलेक्टेड आपका बैक पेपर यहाँ पर आ रहा है तो उसको वही रहेगा आपका ऑटो सेलेक्टेड बैक पेपर, ठीक है। यदि आप इम्प्रूवमेंट एक या दो सब्जेक्ट में चाहते हैं तो ही टिक करें, अदरवाइज इम्प्रूवमेंट की जो लिस्ट बनी हुई है 1 से लेकर 7 तक या आपके में 8 तक है, उस पर आप टिक ना करें। यदि आपने टिक करा और सेव कर दिया तो बैक पेपर प्लस इम्प्रूवमेंट डबल चार्ज ट्रिपल चार्ज, जितने भी इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे और जो बैक पेपर आपका जितने भी बैक पेपर में बैक लगी होगी उस सब का मिला के चार्ज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। अभी हम आपको बॉटम साइड दिखाएंगे कितना चार्ज वहाँ पर हो गया, जबकि लगना चाहिए तो 1100 रुपये, वहाँ आ रहा 4,950 रुपये। बताइए आप कितनी बड़ी मिस्टेक है, तो इस चीज़ को अच्छे समझ लीजिए। जो ऑटो सेलेक्टेड बैक पेपर है यदि आप उन्हीं में करना चाहते हैं तो केवल आपको सेव करना होगा, इम्प्रूवमेंट की लिस्ट को नहीं छेड़ना होगा। इम्प्रूवमेंट की लिस्ट तभी छेड़ेंगे जब हमें एक या दो में इम्प्रूवमेंट लगाना होगा, अदरवाइज केवल बैक पेपर जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। जैसे ऑटो सेलेक्टेड यहाँ दो पेपर आ रहे हैं या सिंगल पेपर आ रहा है तो उसे वैसा ही रहने दीजिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक या दो यहाँ पर बैक पेपर सेलेक्टेड है पहले से ही है, ऑलरेडी है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, इम्प्रूवमेंट की जो लिस्ट है उसको नहीं छेड़ना है, उसको ऐसे ही रहने देना, उसको कुछ नहीं करना है, आपको बस सेव बटन पर क्लिक करना है और पेमेंट करना है। अब यदि आप चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हमें एक या दो सब्जेक्ट में नंबर और बढ़ाने हैं तो आप उन पर टिक करेंगे, प्लस वो पैसा और प्लस बैक पेपर का पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा जैसा आप सेलेक्ट करेंगे वैसा। तो मुझे केवल दो पेपर में बैक लगानी थी, ठीक है, जिस कैंडिडेट के में भी लगनी थी तो दो पेपर में लगनी थी, बट हुआ क्या, उसे इम्प्रूवमेंट वाले में कुछ नहीं करना था, सभी में वो पास है, आप देख सकते हैं सभी में वो पास है, तो उसे इम्प्रूवमेंट लिस्ट में कुछ नहीं करना था, बट वो किसी दुकान पर गया होगा तो उन्होंने क्या है सभी पर टिक कर दिया और फीस होगी 4,950 रुपये। तो इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिए, इम्प्रूवमेंट की लिस्ट को तभी छेड़ें जब आप उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अदरवाइज बैक पेपर जो ऑटो सेलेक्टेड है वो वैसे ही रहने दीजिए। इम्प्रूवमेंट की लिस्ट को न छेड़ते हुए किसी पर भी आपको टिक नहीं करना है और केवल सेव बटन पर क्लिक करना है आपको। जैसे यहाँ दो सब्जेक्ट हैं तो इनमें बैक लगनी है आपको, या एक सब्जेक्ट है तो ऐसे ही बना रहने दीजिए आप, ठीक है। इम्प्रूवमेंट की लिस्ट है वो पास वाली लिस्ट है, आपको इम्प्रूवमेंट नहीं करना है तो इनको आप मत छेड़िए, सीरियल नंबर को किसी पर भी टिक मत करिए, केवल सेव बटन पर क्लिक करिए आप, तो केवल आप पर 1100 रुपये ही चार्ज लगेगा या फिर 550 रुपये सिंगल सब्जेक्ट अगर यहाँ हो रहा है तो सिंगल पर ही चार्ज लगेगा। तो हम दिखा देते हैं कितना चार्ज यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सभी पर कर दिया, यहाँ पर भी कंप्लीट आ रहा है, यहाँ पर इन सभी पर उन्होंने कंप्लीट कर दिया और इनका अब हो गया बहुत ज़्यादा खर्चा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बॉटम में, देखिए बैक पेपर इम्प्रूवमेंट डाटा संरक्षित होने के उपरांत ऑब्लिक लगा हुआ है, बैक पेपर ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट है, इम्प्रूवमेंट तभी छेड़ें जब आप उसमें नंबर बढ़वाना चाहते हैं। इम्प्रूवमेंट तो भाई पास वाली लिस्ट है ना, कोई नहीं चाहेगा भाई हम पर पैसे एक्स्ट्रा लगें,
तो सिर्फ बैक पेपर है, तो बैक पेपर जो सिलेक्टेड आउट है उसे रहने दीजिए आप। बस करना क्या, आपको सेव करना, डाटा सेव होगा, आगे पेमेंट का प्रोसेस होगा। तो यहाँ देख सकते हैं 4,950 रुपये टोटल फीस आ गई। अब इन्होंने क्या बड़ी गलती करी है, इन्होंने बड़ी गलती ये कर दी कि इम्प्रूवमेंट की जितनी भी लिस्ट थी पूरी सिलेक्ट कर दी, और बैक पेपर थे तो वो तो थे ही, तो दो बैक पेपर, वो दो बैक पेपर और प्लस J7, इन सबको मिला के इनका चार्ज हो गया 4,950 रुपये। अब ये मेरे पास आए कैंडिडेट और ये बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मैंने इनसे बोला है आप यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन नंबर या फिर यूनिवर्सिटी जाएं, अपने कॉलेज संपर्क करें, और इसका कोई समाधान मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप भी ऐसी बड़ी मिस्टेक ना करें। और वीडियो और हम यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे, यहाँ पर देखिए फोटो और सिग्नेचर शो नहीं हो रहा है, जो बैक पेपर हम लोग फाइनल बंड विद फीस के कर चुके हैं, और आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल है, चैनल पर हमने जो है विद फुल पेमेंट प्रोसेस के साथ जो है वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम्स बनी हुई है कैंडिडेट्स के अंदर, सर यहाँ फोटो सिग्नेचर शो नहीं कर रहा। देखिए हमने 3 ब्राउज़र पर चेक किया था और सभी पर इमेज जो है ब्लैंक आ रही है, मतलब फ़ोटो सिग्नेचर शो नहीं कर रहे। यदि ब्राउज़र की प्रॉब्लम होती तो 3 ब्राउज़र पर हमने अलग अलग चेक किया तो कहीं ना कहीं समस्या का समाधान हो जाता, बट 3 ब्राउज़र पर चेक करने के बाद कहीं सभी पर एक समान ही जो फ़ोटो सिग्नेचर किसी पर भी शो नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो साइट की प्रॉब्लम्स है और ऊपर से ही ये दिक्कत है, बट आप इसकी टेंशन मत लीजिए। यदि फॉर्म में कोई भी स्टेप यदि छूटा रहेगा या इनकम्प्लीट होगा तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो जो बैक पेपर है वो ऑटो सेलेक्टेड है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट लिस्ट में यदि आप चाहते हैं नंबर को बढ़ाना तो ही सिलेक्ट करें, अदरवाइज इम्प्रूवमेंट लिस्ट को ना छेड़िएगा, केवल बैक पेपर जो ऑटो सेलेक्टेड है उसको ही रहने दीजिएगा, इम्प्रूवमेंट लिस्ट को मत छेड़िए। और सेव करेंगे तो आपका जो है बैक पेपर सेव हो जाएगा, ठीक है। इम्प्रूवमेंट लिस्ट छेड़ने का मतलब है पैसे का बढ़ जाना, एक्स्ट्रा फीस लग जाना, तो उस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ जो फोटो सिग्नेचर है ऊपर की प्रॉब्लम है, इसकी आप चिंता न करें। तो विदाउट फोटो सिग्नेचर की फॉर्म आपका जो है सबमिट हो जाता है, ऐसी कोई उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर भी कोई समस्या लग रही है तो यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मैंने भी 2-1 फॉर्म सबमिट किए हैं और कर रहे हैं, अभी भी करने जा रहे हैं, कैंडिडेट मेरे पास आए हैं, हमने उन्हें रोक दिया कुछ देर के लिए, और चूँकि वीडियो बना रहा था वीडियो को रोकना पड़ा था। तो यहाँ फोटो सिग्नेचर जो है शो होना ना होना ये ऊपर की प्रॉब्लम है, और मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कोई मिस्टेक होती तो ये फॉर्म आपका सबमिट नहीं होता। तो फोटो सिग्नेचर की प्रॉब्लम्स को ना लीजिए और फॉर्म को सबमिट कीजिए आप, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन नंबर लिखे रहते हैं उन पर आप कॉल करके अपना समाधान कर सकते हैं, उसके बाद भी आप अपना पेमेंट या फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो वीडियो में अपडेट यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।